हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम। यहाँ पर लीग वन का मैच हो रहा है लियोन वर्सेस मोनाको के बीच 10:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की जिसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे एंड बात करें अगर हम इस मैच की, देन लियोन एंड मोनाको में एक्चुअली इस साल मोनाको टीम टॉप थ्री में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है पेरिस सेंट जर्मन और दूसरे नंबर पे ही है। कल को पेरिस सेंट जर्मन अगर ख़राब परफॉर्म करती है तो सीधा मोनाको सेकंड फर्स्ट रैंक पे हो जाएगी। तो खुद सोच लो क्या क्या गेम प्ले रहा है इनका। और लियोन टीम का ऐसा है कि लास्ट सीज़न इनसे अच्छी थी, लास्ट सीज़न उन्होंने मोनाको को बीट भी किया था, लेकिन वो हाल ही की बात है 4 महीने पहले की। अब ये नया सीज़न है तो मेरा ऐसा मानना है कि नया तो नहीं है, वही सीज़न है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इन 4 महीने के गैप में मोनाको टीम जो है वो सेकंड रैंक का पूरा फ़ायदा लेगी और ये 9 नंबर पे है। तो एक इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इनको। और अगर लियोन टीम गोल करती भी है तो एक्सपेक्टेड 2 हैं और मोनाको से भी एक्सपेक्टेड 2 या 3 है, तो मतलब ड्रॉ होने के मेगा चांसेस हैं इस मैच में। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ, देखो भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन में लैकज़ेट एक प्लेयर है और लैकज़ेट बहुत पुराना प्लेयर है। पहले ये बंदा बहुत बहुत पहले ये बंदा प्रीमियर लीग में खेलता था आर्सेनल टीम से। ये बात आई थिंक 2020 या 21 की है, बहुत पुरानी बात है। तो लैकज़ेट बहुत अमेजिंग प्लेयर रह चुका है वहाँ का भी। उसके बाद सैयद बेंद्रहामा को इन लोगों ने यहाँ पर बुला लिया, ये भी वहाँ का प्लेयर है, ये वेस्ट हैम यूनाइटेड में खेलता था प्रीमियर लीग में। एम बेल्डे को मैं इतना खास समझता नहीं हूँ क्योंकि ऑपोजिशन टीम अगर मैं देखूँ तो उनके पास डब्ल्यू बेन येडर तो है। उसके बाद ये जो प्लेयर है ना बैलोगन, बैलोगन किसी के नहीं सुनेगा भाई। बैलोगन ने जब MET के अगेंस्ट 2 गोल किए थे 30 मार्च को, 30 मार्च के बाद एक और मैच भी शायद हुआ था, उसमें भी एक आध गोल करके गया था। तो बैलोगन इज अ ग्रेट प्लेयर। उसके बाद अगर मैं मिडफील्डिंग की बात करूं तो गोलोविन आपको गेम प्ले में दिख सकता है, लेकिन इसका ना इंजरी का थोड़ा लफड़ा चल रहा था, तो मेरे को 50% श्योर है शायद ना भी खेले, शायद खेले, मतलब 50-50 है शायद नहीं भी खेले। तो गोलोविन को ले लो लेकिन कन्फर्म मत समझना। और मीना मीनो फॉर्म में नहीं है लेकिन कभी भी आ जाता है, कुछ पता नहीं, देखो कितने पॉइंट दे देता है भाई, कभी भी आ जाता है फॉर्म में, इसलिए इसके ऊपर तो रिस्क कोई खेलेगा नहीं। उसके बाद वाई फुफाना को छोड़ना बिल्कुल ईजी है और एक्लियच कभी कभी चलता है, तो एक्लियच का भी मेरे को इतना डर नहीं है। डी जकरिया भी नहीं, के दियाता, एम कमारा, इवन सेग्यूर बहुत कम चलते हैं, मतलब 10 मैच में कभी एक बार, तो इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लेना मेरे हिसाब से। तो है ना, इसलिए मैं ऑपोजिशन टीम का प्लेयर लूँगा। पहला है मैक्सेंस, ठीक है। उसके बाद मैक्सेंस के बाद सी टॉलिसो को जरूर ही लो, चक्कर मैं आपको बताता हूँ। देखो आप इसको लोगे ना तो आप चेरकी को तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्लेयर इनका निकलस, निकलस बहुत मेन है, लास्ट मैच खेला नहीं था, रेड कार्ड मिला था इसे, 22 अप्रैल को रेड कार्ड हैंड ओवर था तो खेला नहीं था ये, ठीक है, 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल के बाद एक और मैच आज है, मतलब सीधा रेड कार्ड का, तो शायद आज अगर रेड कार्ड एक्सपायर्ड हो गया होगा तो शायद आपको दिख जाए, नहीं हुआ होगा तो नहीं दिखेगा। अगर ये दिखे तो आप इसको ले सकते हो इसकी जगह पर अगर लेना हो। और उसके बाद मैं तो ऑपोजिशन टीम के साथ हूँ तो मेरा तो स्टीफन आएगा सबसे पहले, उसके बाद वी कैंपस तो आएगा ही आएगा। वी कैंपस के बाद सी हेनरी को और मैरीपन का बहुत कॉम्पिटिशन रहता है, तो आप बहुत दिनों से हेनरी को खेल नहीं रहा तो ना क्या है कि मैरीपन को चांस मिल सकता है मेरे हिसाब से। जैसे हेनरी को नहीं खेल रहा तो मैं चाहता भी हूँ उसको चांस मिले, क्योंकि बाकी इनके जो प्लेयर हैं वो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस ही लग रहे हैं मेरे को, मैं चाहता हूँ मैरीपन आए। एंड बात करें गोल कीपिंग की तो लॉब्स खेलना चाहिए भाई, लॉब्स इनका ठीक प्लेयर है। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है यहाँ पर मेरा बॉलोगन, वाइस कैप्टन है मीना मीनो। डब्ल्यू बैन येडर पे रिस्क नहीं लूँगा, बहुत बार ये बंदा मुझे जितवा के भी गया लेकिन हरवा के भी गया, तो वो चीज़ मेरे ध्यान में है। तो ये हमारी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।